Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm gonna explain the second part of Princess September, chapter 5 of It So Happened, the supplementary reader for class 8. So let's get started. It seemed to Princess September that her little bird had been away at a long time. प्रिंसेस सितंबर को लगेगा लगा कि उसकी चिड़िया बहुत दिनों तक के लिए कहाँ चली गई है. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसको कुछ हो गया है. व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स, यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू. इन बाज और क्या है शिकारियों का क्या होगा, कि कभी भी क्या है ये कुछ कर सकते हैं. तुम्हें नहीं पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम में वो पड़ सकती है. यानी बाज का और शिकारियों के बारे में वो सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जालों में फंस गई या कोई बाज पकड़ ले गया. बिसाइड्स, और इसके अलावा ये भी सोच रही थी, ही माइट फॉरगेट हर, वो उसको भूल गई होगी, या तो किस बाज या क्या शिकारी के हाथ लग गई होगी या वो खुद उसके भूल गई होगी. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबॉडी एल्स, या वो किसी और को पसंद करने लगी होगी, वो किसी और के पास चली गई होगी. That would be dreadful, तब तो बहुत खतरनाक बात होगी. She wished he were safely back again, वो चाह रही थी कि वो सेफ्टी के साथ वापस आ जाए. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear, अचानक September ने चू चू की आवाज़ सुनी अपने कानों के बिल्कुल पीछे. एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिंगिंग सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने छोटी चिड़िया को अपने शोल्डर पर बैठा हुआ देखा. ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो इतनी चुपके से आई थी. एंड अलाइटेड, और उतर गई थी. सो स्विफ्टली, और इतनी तेज़ी से बैठी थी आकर के उतर करके. दैट शी हैडन हर्ड हिम, कि वो उसकी सुन नहीं पाई थी. I wondered what on earth had become of you, said princess. प्रिंसेस ने कहा कि मैं सोच रही थी कि तुम्हें दुनिया में क्या हो गया है. आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगा कि तुम यही सोचोगे कि कुछ हो गया है मुझे. द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, सही बात यह है कि मैं आज रात बिल्कुल नहीं आ पाती. क्यों? माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ क्या है पार्टी दे रहे थे. They all wanted me to stay, और वो सब चाह रहे थे कि मैं उनके साथ रहूं. But I thought you would be anxious, लेकिन मैंने सोचा कि तुम बहुत परेशान होगी इसलिए मैं चली आई. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. और इन सारी सिचुएशन के अंदर यही क्या है ये बात छोटी चिड़िया के लिए सबसे बदकिस्मत ठहरी, मतलब बहुत अनलकी बात हुई जो इसने ये बात की कि हैं मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं वहाँ रुकूँ. तो इन सारी सिचुएशन को के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर ये क्या है उसकी तरफ से बहुत ही क्या है ज़बरदस्त रिमार्क था, बहुत ज़बरदस्त बात थी. ज़बरदस्त का मतलब कि उसके लिए अनलकी बात थी, अनफॉर्चुनेट बात थी. सेप्टेम्बर जब ये बात बोली तो सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, सितंबर का दिल क्या है धकधकाने लगा उसके सीने में, ठीक है. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अब क्या है और ख़तरा लेने का ना लेने का डिसीजन कर लिया कि अब और कोई ख़तरा नहीं लूँगी. शी पुट अप हर हैंड, उसने उसके ऊपर अपना हाथ रखा. एंड टूक होल्ड ऑफ बर्ड, और बर्ड को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड को पता नहीं चला क्या हो रहा, क्या करने जा रही. एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरीड हिम ओवर टू द केज, अब वो बहुत क्या हैरान थी जब उसको एक पिंजड़े की तरफ ले जा रही थी. पॉप्ड हिम इन, और उसको अंदर ढकेल दिया, अंदर कर दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया. दैट फॉर अ मोमेंट, उसी लम्हा ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब वो कुछ नहीं बोल सके. जब उसको अंदर ढकेल के बंद कर दिया तो बर्ड कुछ बोल नहीं सके. बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड, लेकिन थोड़ी देर में वो क्या है उस जो लकड़ी उसके अंदर लगी हुई थी हाथी दांत की, आइवरी लकड़ी लगी हुई थी, उस लकड़ी के ऊपर बैठ कर बोली, व्हाट इज द जोक प्रिंसेस, ये क्या मजाक है. There is no joke, said princess. Princess ने कहा कोई मजाक नहीं है. But some of mamma's cats are
प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट, उसने झूठ मूठ का कहा कि आज क्या है, अम्मी की बिल्लियाँ कुछ क्या है इधर उधर रात में घूम रही हैं, ठीक है, एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ सेफ हो, वरना क्या है बिल्ली पकड़ ले जाएगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड। अच्छा, छोटी चिड़िया ने कहा कि सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, ठीक है, अगर तुम मुझे सुबह में छोड़ दो तो यहाँ तक कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, आई डोंट माइंड, मैं उसे ठीक है, अगर तुम सुबह मुझे छोड़ दोगी तो मैं क्या है इसको कोई बुरा नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, रात में क्या है फील्ड में रहूँगा। ही एट अ वेरी गुड सफर एंड देन बिगेन टू सिंग, उसने क्या है खूब अच्छे से खाना खाया रात का और फिर गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन क्या है गाते गाते वो रुक गई। आई डोंट नो वाट इज द मैटर विथ मी ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। चिड़िया ने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मुझे बस गाने का मन नहीं कर रहा है आज रात। वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड, सेप्टेम्बर ने कहा कोई बात नहीं अच्छी बात है, जाओ अच्छा सो जाओ। सो ही पुट हिज हेयर अंडर हिज विंग, इसलिए चिड़िया ने अपने परों के अंदर अपना सर रख डाल लिया। एंड आई इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और थोड़ी देर में क्या है वो एकदम गहरी नींद सो गई थी। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सोने चली गई थी, बट वेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकेंड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। लेकिन जब सवेरा हुआ तो वो उड़ गई, सितंबर उड़ गई, क्योंकि चिड़िया उसको तेज तेज से बुला रही थी। वेक अप ही सेड, वो कह रही थी उड़ जाओ, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस क्या पिंजरे का दरवाजा खोलो, एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर आने दो, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मैं क्या है अब उड़ना चाहती हूँ, खूब अच्छे तरीके से उड़ना चाहती हूँ, जबकि अभी भी क्या है ज़मीन के ऊपर ओस गिरी हुई है, ओस पड़ी हुई है, तो मैं क्या ज़मीन में खुलकर उड़ना चाहती हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा तुम जहाँ हो वहीं सेफ हो। ले मी आउट सेट द लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया ने कहा कि मुझे निकालो मुझे निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने क्या है पिंजड़े के जंगले में से, पिंजड़े की जाली में से क्या है निकलने की कोशिश की, ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स कुडन, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। एंड ही बेट अगेंस्ट द डोर, दरवाजा भी क्या है पीटी, बट ऑफ कोर्स ही कुडन ओपन इट, लेकिन वो खोल नहीं पाए। देन द एट प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, फिर क्या है आठों राजकुमारियाँ आई अंदर और उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने सेप्टेम्बर से कहा कि तुमने बड़ा बड़ी अकल की बात की है, कि तुमने अपनी अकल को यूज़ किया और हमारी एडवाइस को मान लिया, ठीक है, अपनी बुद्धि को यूज़ किया और हमारी एडवाइस को मान लिया। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्द क्या हो जाएगी पिंजड़े की आदी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये भूल जाएगी कि वो कभी आज़ाद थी। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब वो सब आठों राजकुमारियाँ वहाँ थी तो छोटी चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेकिन जैसे ही वो गई वो क्या दोबारा चिल्लाने लगी, लेट मी आउट मुझे बाहर निकाल। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि इतने बेवकूफ मत बनो, आई पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिछले में इसलिए रखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बहुत चाहती हूँ। आई नो वॉट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं तुम्हारे लिए क्या है जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, जितना तुम उससे ज़्यादा जानती हो जितना तुम अपने बारे में जानती हो। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए थोड़ा सा गाना गाओ, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मैं तुम्हें क्या है भेली भेली का एक टुकड़ा दूंगा, शुगर मीन्स आप भेली कर लीजिए, भेली का एक टुकड़ा दूंगा। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेइंग अ नॉट, लेकिन छोटी चिड़िया एक कोने में खड़ी होकर के बाहर के नीले आसमान को देख रही थी और एक भी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर, सितंबर ने कहा कि दुखी होने का क्या फ़ायदा है, व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, क्यों गाती क्यों नहीं हो और
तुम गाओ और अपने प्रॉब्लम को भूल जाओ, ठीक है। हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड। चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं कैसे गाऊँ, मैं पेड़ों को, झील को और ग्रीन राइस, हरे हरे चावल के चावल को जो क्या खेतों में उग रहे हैं, मतलब धान को, हरे हरे धान को मैं देखना चाहती हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। सितंबर ने कहा कि मैं तुम्हें रोजाना बाहर ले जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। छोटी चिड़िया ने कहा कि फिर कोई सेम बात नहीं होगी, मतलब ये कोई इट्स नॉट द सेम थिंग, यानी पिंजड़े में से क्या है देखना कोई सेम नहीं होगा, बाहर से देखने की तरह नहीं होगा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट। धान के खेत और झील और विलो ट्री, ये सब के सब बिल्कुल अलग दिखते हैं। व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, जब तुम उन्हें क्या है पिंजड़े की जाली से के अंदर से देखते हो, यानी पिंजड़े की जाली के अंदर से देखना और क्या बाहर से देखना दोनों बहुत डिफरेंट है। यू मस्ट बी फॉर्म, द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। चिड़िया कुछ भी गाना नहीं गा रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्शस एट दिस। प्रिंसेस थोड़ा सा इस पर परेशान हुई। एंड एज हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, अपनी बहनों से पूछा कि उन्होंने क्या इसके बारे में सोचा है। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सा क्या है सख्त बनो, कठोर बनो। बट इफ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। उसने कहा कि लेकिन अगर वो कुछ नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। उन्होंने कहा तब तो उसकी तरफ अगर वो नहीं खाएगी तो बड़ी नाशुकरी की बात होगी, ठीक है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, ठीक है। उसे ज़रूर जानना चाहिए कि तुम उसे उसकी अच्छाई चाहती हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, अगर वो ज़िद्दी है एंड डाइज, और जिद कर कर करते करते मर जाती है, इट विल सर्व हिम राइट, तो ये उसके लिए क्या है भला होगा, मतलब बदतमीजी करती है, जिद करती है, अपनी जिद पर मर जिद करते करते मर जाती है, तो ये तो क्या है उसी की वजह से होगा। एंड यू विल बी वेल रेड ऑफ हिम, और तुम इसे छुटकारा भी पा जाओगी। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सेप्टेम्बर नहीं जान पाई कि नहीं समझ रही थी, नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी कि इसके लिए कैसे अच्छा होगा। बट दे वर 8-1, और लेकिन वो सब 8 थी और ये 1 थी। एंड ऑल ओल्डर दैन शी, और सब के सब उससे बड़ी थी। सो शी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड। उसने कहा कि चलो हो सकता है कल तक वो अपने इस पिंजरे की आदि हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक She cried out good morning in a cheerful voice. और अगले दिन जब सितंबर उठी तो वो क्या खूब खुश होकर के गुड मॉर्निंग चिल्लाई, गुड मॉर्निंग बोली। She got no answer, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिला। She jumped out of the bed, वो इस बेड से निकली एंड ran to the cage, पिंजरे की तरफ गई। She gave a startled cry, वो अचानक की चिल्ला उठी। For there the little bird lay, क्योंकि छोटी चिड़िया पड़ी हुई थी एट द बॉटम, नीचे की तरफ, ऑन हिज साइड, अपनी एक साइड में। विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और लग रही थी जैसे कि वो मर गई है। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा को खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन, और अंदर अपना हाथ डाल करके, लिफ्टेड हिम आउट, उसको उठा लिया। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, उसने क्या है एक आराम की सांस ली। फॉर शी फेल्ट दैट His little heart was beating still, क्योंकि उसने फील किया, उसने टोकर देखा कि उसका छोटा दिल क्या अभी भी धकधका रहा था। wake up little bird, she said, वो बोले कि छोटी चिड़िया उठ जाओ, उठ जाओ। She began to cry, वो and her tears fell on the little bird. वो रोने लगी और उसके आंसू छोटी चिड़िया पर गिर पड़े। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. चिड़िया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब क्या है पिंजड़े की जाली उसके चारों तरफ नहीं है। आई cannot sing unless I'm free, and if I cannot sing, I die, he said. उसने कहा कि जब तक मैं फ्री नहीं होंगी मैं गा नहीं पाऊंगी, और जब मैं गाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी। द प्रिंस गेव अ ग्रेट सोब, प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, राजकुमारी क्या है ने एक राजकुमारी ने आह भरी, ठीक है। सिस्कियाली मतलब आह भरी, सोब मीन्स होता है सिस्किया लेना, आह भरना। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, उसने कहा कि तब तुम अपनी आज़ादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें गोल्डन केज में पिंजरे में बंद किया था इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी।
आई वॉन्ट टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए रखना चाहती थी, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैंने कभी नहीं जाना था कि तुम इससे मर जाओगे. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं इतना तुमसे प्यार करती हूँ कि मैं तुमको छोड़ दूंगी कि तुम अपनी तरह खुश रहो, जैसे जाओ खुश रहो. शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने विंडो को खोल दिया. जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने विंडो के सिल के ऊपर, पड़ंती के ऊपर क्या है, बर्ड को, चिड़िया को रख दिया. ही शूक हिमसेल्फ अ लिटिल, उसने थोड़ा सा अपने आप को क्या हिलाया. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड शी सेड, सितंबर ने कहा कि तुम आओ जाओ जैसे तुम चाहो. आई विल नेवर पुट यू इन केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें पिंजरे में कभी नहीं रखूंगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, चिड़िया ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और मुझे जो भी क्या है प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गाना याद गीत आती है मैं तुमको गाकर सुनाऊँगी. आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, बट आई विल, आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगी. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने फिर क्या है अपनी बदन को हिलाया. गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाए कि क्या है, गुड ग्रेशियस मी, अल्लाह भला करे, ठीक है, मैं कितना अकड़ गई हूँ. देन ही ओपेंड हिज विंग्स एंड फ्ल्यू राइट अवे इन टू द ब्लू, फिर उसने अपने परों को खोला और सीधे आसमान, नीले आसमान में उड़ गई. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इन टू टीयर्स, लेकिन छोटी क्या है राजकुमारी रोने लगी. फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि अपनी खुशी के आगे किसी दूसरे की खुशी को क्या रखना, ये बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है. एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, और कहें अपनी छोटी चिड़िया को बहुत दूर नज़रों से ओझल उठता हुआ देख करके वो बिल्कुल अचानक अकेला फील करने लगी. व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर, जब उनकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ था तो वो उसका मजाक उड़ा रही थी. एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहा कि छोटी चिड़िया अब कभी नहीं आएगी. बट ही डिड, लेकिन वो आई एट लास्ट, आखिर में वो आई. एंड ही सैट ऑन द सितंबर शोल्डर, और सितंबर के शोल्डर पर बैठी. एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और क्या है उसके हाथों से आकर के खाती थी. एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और खूबसूरत खूबसूरत गीत सुनाती थी. ही हैड लर्न व्हाइल ही वाज फ्लाइंग अप, जो उसने सीखे थे जब वो उड़ रही थी. एंड डाउन अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जब वो उड़ रही थी तो उसने बहुत सारे गीत और भी सीखी थी. द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरत जगहों के अंदर जब उसने क्या ऊपर नीचे वो यानी पूरी दुनिया में जब वो उड़कर आई तो उसको और भी गीत क्या है सीख गई और उसको सुनाती थी. सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर उसकी विंडो को क्या है रात और दिन खुल, अपनी विंडो को रात और दिन खुली रखती थी. सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, ताकि छोटी चिड़िया जब भी आना चाहे वो आ सके अंदर. एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा भी था. सो शी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और जब वो विंडो खोल कर रखती थी तो फ्रेश हवा और फ्रेश एयर आने की वजह से वो बहुत खूबसूरत होती चली गई, उसकी खूबसूरती बढ़ती गई. एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ द कॉम्बोडिया, जब वो बड़ी हो गई तो उसने कॉम्बोडिया के राजा से शादी कर ली. एंड वॉज कैरीड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वो क्या है उस सिटी में जिसमें राजा रहता था पूरे रास्ते में हाथी पर बैठ कर क्या है गई थी. बट हर सिस्टर्स ने वो स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी भी अपनी विंडो खोल करके नहीं सोती थी. सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसअग्रीएबल, इसलिए वो सबके सब क्या है बदसूरत और क्या है डिसअग्रीएबल, मतलब बेकार हो गई, नाकाम मतलब भद्दी हो गई, ठीक है, बदसूरत और भद्दी हो गए. एंड वेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी शादी का टाइम आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, फिर उनकी जब उनकी शादी का टाइम आया तो उनको राजा के वजीरों के साथ उनकी शादी कर दी गई थी. विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, मतलब कि एकदम बेकार की और बेकीमत, बेकीमत मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो एकदम बेकार की शादी हो गई थी उनके वजीरों के साथ जो मतलब किसी लायक नहीं थे, और
बहुत ज़्यादा क्या है धूमधाम उसकी उनकी शादियों में नहीं हुआ, क्योंकि इनकी ये खूबसूरत नहीं रही थी। सो याद रखिए गिवेन अवे, मतलब किसी चीज़ को दे देना विद अ पाउंड ऑफ टी, चाय के एक पाउच के साथ। और सियामीज कैट, सियामीज ये क्या है, थाईलैंड का थाईलैंड का दूसरा नाम था, तो सियामीज ये ऐसी जैसे जापानीज, ठीक है, जापान से जापानीज, तो एक क्या है सियामीज बिल्ली और एक चाय के पाउच के साथ उनको दे दिया गया था। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ये नहीं था कि सही में चाय के पाउच के साथ उनको उनकी शादी कर दी गई थी। एक वजीर के साथ चाय का पाउंड मतलब दहेज वहेज में ये दे दिया गया था, चाय का पाउच और क्या है सियामी बिल्ली, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनकी जो शादी हो गई थी वो एकदम बेकार कमज़ोर और गरीब क्या है काउंसलर के साथ हो गई थी, वजीरों के साथ हो गई थी जो किसी लायक नहीं थी, और उसमें उनकी शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई थी। तो ये एक फ्रेज है टू बी गिवन अवे विद अ पाउंड ऑफ टी, मतलब कि बिना वैल्यू के कोई चीज़ किसी को दे दी जाए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ले जाओ यार ले जाओ इसको क्या अपने घर ले जाओ, मतलब कोई शादी धूमधाम से नहीं हुई थी। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ चैप्टर ऑफ इट्स अ हैपन द सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट इट, एंजॉयड इट, कीप इट द गोल इन द हेड ऑफ यू।